तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा जी, और इनके बारे में कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की तो मुझे लगता नहीं ज़रूरत है, बल्कि इनके सामने मेरी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी शायद। तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ ही, हमने अपने चैनल पर एक सेगमेंट शुरू किया है नया, चैट विद मास्टर्स। जैसे आपको पता है, आज तक हमारे चैनल पे सिर्फ मैं ही आता था, मैं ही बोलता रहता था अपने आप कुछ भी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मेरी सुन सुन के आप लोग थक गए होंगे, तो कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ में जोड़ा जाए, लाया जाए, जिनकी बातें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आजकल के सिनेरियो में जिसमें हम जी रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। तो कुछ ऐसे मास्टर जो हैं, ऐसे धुरंधर जो हैं बाजार के, उनको अपने साथ में जोड़ा जाए। मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेगा उनसे, और जानते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस समय बाजार के बारे में वो, और ओवरऑल इकॉनमी के बारे में क्या चल रहा है, और मार्केट के अंदर जब भी कोई आदमी काम कर रहा होता है उसके अंदर किस तरह की साइकोलॉजी प्ले होनी चाहिए। हमारे चैनल के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं हम सारा दिन वही बात करते हैं, लेकिन जो ये सज्जन हैं जो इतने 20 20 30 30 सालों से लगे हुए हैं, वो किस तरह की साइकोलॉजी के साथ में काम करते हैं, या अपने को कैसे हैंडल करते हैं हर सिचुएशन के बीच, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, बहुत बहुत स्वागत है समीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो सर, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने अपने जो करियर की शुरुआत जो की, जैसे भी की, वो स्टॉक मार्केट में आने का जो डिसीजन था आपका, वो एक्सीडेंटल था या मतलब चॉइस थी, या आना पड़ा, या मतलब आप चाहते थे आना। बहुत सारे लोग होते हैं वो चॉइस से आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक्सीडेंटल आते हैं। तो आपकी चॉइस थी या एक्सीडेंटल थे आप? हम ये दोनों ही थे एक तरीके से, क्योंकि क्या है कि हमें फाइनेंस में इंटरेस्ट था। तो एक्चुअली माय डैड वांटेड कि मैं सीए बनूं, क्योंकि उनके कोई फ्रेंड उसमें किसी कंपनी में, कौन सी कंपनी, ए फर्गुसन में पार्टनर थे, तो वो बड़े इंप्रेस थे कि ये बड़ी अच्छी जॉब है। लेकिन मैंने आईआईटी में, मेरे को एडमिशन मिल गई तो मैं आईआईटी करने चला गया। उस वक्त आईआईटी आप रिफ्यूज नहीं करते हैं इसलिए कि आप सीए बनना चाहते हैं, तो आईआईटी कर ली। उसके बाद फिर मैंने एमबीए करी। उसके बाद पता लगा कि इंडिया में तो फाइनेंस की जॉब ही नहीं है। फाइनेंस मीन जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टिंग, फंड मैनेजमेंट, आपके पास कंपनी में आप काम कर सकते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो मैंने 1 2 साल वो भी किया। मैंने मोदी जेरोक्स में काम किया और एसआरएफ में काम किया, जो आजकल तो बड़ा हॉट स्टॉक है हमारा। हाँ, बहुत दोस्त। उसके बाद मैं यूएस चला गया टू डू अ पीएचडी इन फाइनेंस। बट वो पीएचडी का मतलब ये था कि यूएस जाने के लिए उस वक्त पैसे जेब में जीरो थे, तो पीएचडी में फंड करते हैं। एंड व्हाइल डूइंग द पीएचडी आई अप्लाइड फॉर जॉब्स इन डिफरेंट फाइनेंस। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि अगर सपोज मैंने गोल्डमैन सैक्स अप्लाई किया था, अब अगर आप गोल्डमैन सैक्स में जॉब मिल जाए, तो आपको, मैंने अप्लाई किया था इक्विटी रिसर्च, वो यूएस इक्विटी रिसर्च होती है। अलायंस कैपिटल में मैंने अप्लाई किया। अब उस वक्त मुझे थोड़ा पता था कि इनको इंडिया में इंटरेस्ट आ जाएगा थोड़े सालों बाद। तो दैट वे द लाइफ इन द एंड टेक्स डिफरेंट कोर्सेज। अगर अगर अलायंस में मुझे जॉब मिली, जो उस वक्त यूएस की 9th या 10th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी थी, लेकिन उसमें आई वॉज इन इंटरनेशनल रिसर्च, इक्विटी रिसर्च, इक्विटी। बट इंडिया का इंटरेस्ट तो उनकी किस्मत, मेरी किस्मत है कि उनको 6 महीने के बाद, बिकॉज़ आई जॉइन इन 91, जून 91, मेरी वेट कर रहे थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 3 हफ्ते बाद जुलाई में स्पीच दे दी और रिफॉर्म शुरू हो गए। आप तो लकी थे सर, इसका मतलब मैं जी बहुत बड़ी लकी रहा हूँ। तो क्योंकि उसके बाद अलायंस गॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया, एंड मैं नया इंडियन था जो उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था, उन्होंने कहा कि यार आप इंडिया मूव करना चाहें। तो मैं वापस आ गया, जो मैं पहले इंडिया में था, मैं घूम फिर के वापस आ गया इन 93, 2 साल वहां न्यूयॉर्क में काम करके। उसके बाद अच्छी हो गई हमारी परफॉर्मेंस वगैरह, तो हम चल गए थोड़े बहुत, बट ये पता नहीं था पहले कुछ भी कि क्या मिलेगा, कहाँ जाएंगे। बट ब्रॉडली आपको पता हो सकता है कि फाइनेंस करना चाहते हैं या नंबर्स में इंटरेस्ट है। तो हीलियोस का जो जो टर्न था, हीलियोस तो बहुत बाद है जी। पहले आपको मैं अलायंस की स्टोरी बताऊं, तो अलायंस में हम आए विद जीरो इंडियन पार्टनर्स। हमारे कंपेटिटर थे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, टेम्पलटन म्यूचुअल फंड, और 2003 में इंडिया के बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर इक्विटी फंड बन गए अलायंस कैपिटल। वी वर लाइक मेनी टाइम्स बिगर देन एचडीएफसी इन 2003। एंड वो ऐसे हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी। वो भी अच्छी है। तो
वो तो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस सबको पता है. सो आई बीट द मार्केट बाय फॉर 7-8 years बाय मोर देन 30% पर एनम. ओहो हाँ जी, उसमें तो एक साल में मेरी एनएवी बढ़ी थी 290% 99 में. सो आई बिकेम इंडियाज बिगेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर इन प्राइवेट सेक्टर, मतलब यूटीआई और एसबीआई छोड़ के, बिकॉज वो तो पहले से ही थे. बट ये ऑल सारे नए के पास इंडियन पार्टनर थे, जैसे आईसीआईसीआई है ब्लू के साथ, या एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ, या एचएसबीसी बड़े सालों से था, फिडेलिटी आया फिर. तो उसके बाद देन आई मूव टू सिंगापुर इन 98. तो मैं अब 23 साल से सिंगापुर हूँ. सो 98 टू 2003 आई वॉज हेड ऑफ इंडिया प्लस ऑल्सो हेड ऑफ एशिया. बट मैं इंडिया के भी एसेट्स मैनेज कर रहा था डायरेक्ट, बिकॉज वो परफॉर्मेंस में दूसरे आदमी को देने में बड़ा झिझक हो रही थी कि कोई और फंड मैनेजर को हैंड ओवर कर दिया जाए सारा खुद ही कर ले. सो देन 2002 में अलायंस कैपिटल में हो गया चेंज ऑफ मैनेजमेंट. वो अब उनका नाम हो गया अलायंस बर्नस्टीन. पहले अलायंस कैपिटल थी, अब अलायंस बर्नस्टीन है. वो आके कहते हैं जी कि हमें ये सिंगल कंट्री बिजनेस नहीं पसंद. हर जगह, बहुत जगह में खुल गए थे, इंडिया में, ताइवान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, सब इमर्जिंग मार्केट्स में उन्होंने खोले थे. इंडिया में तो मैं था इसलिए जाना. अब मैं उठ गया कि अगर मैं इंडिया, मेरा इन्होंने बिजनेस बेच दिया तो फिर मुझे एशियन जॉब करनी पड़ेगी, जो मैं पहले भी कर रहा था लेकिन इंडियन जॉब के साथ. मतलब इंडिया प्लस एशिया कर रहा था. बट आई वॉन्टेड, बेसिकली मुझे तब पता लगा कि सारे मजे तो इंडिया में आ रहे हैं, एशिया तो जॉब थी और इंडिया पैशन था. तो फिर इसीलिए तो फिर मैंने पहले अलायंस में बिड किया. फिर मैंने म्यूचुअल फंड को कोशिश की शुरू करने की राणा तलवार के साथ, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के सीईओ थे. फिर उसके बाद हमने हीलियो शुरू करी अलायंस के ही पुराने दो बॉसेस के साथ. ओके, चलो, गुड सर. 16 इयर्स हो गए इसको. बहुत बढ़िया सर. तो आप शुरू से लकी रहे हैं सर इस मामले में. तो अब सर आगे चलते हैं, अपने जो लोग हैं हमारे उनके लिए मार्केट के अंदर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बुल रन चल रहा है, बहुत स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया. तो अब जैसे एक आम इन्वेस्टर होता है, या ट्रेडर बोलूँगा, इन्वेस्टर तो खैर कोई होता नहीं, ज़बरदस्ती वाले होते हैं, जो ट्रेडर होता है, आम ट्रेडर होता है, वो एक्चुअली आजकल ना बहुत परेशान है सर. उसको ये समझ नहीं आती कि उसको हमारे पास में जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चैनल है हमारा तो बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं उसको. एक तो सबसे पहले इसको बुल रन मानना चाहिए या बबल मानना चाहिए? आजकल तो बबल बबल बहुत हो रहा है, मतलब सब जगह बबल हो रहा है, बबल हो गया, बबल हो गया. एक्चुअली जी, तो इसको बुल रन माने बबल माने? नहीं नहीं, इसको बुल रन ही मानेंगे. बबल का खाली एक डेफिनेशन है जिसमें ये थोड़ा डेंजरस लगता है, वो है कि यूएस मार्केट 2009 से चल रही है. बिल्कुल, उसमें उसकी मेजर करेक्शन नहीं आई. बिल्कुल. एंड उसी को खाली ये स्केरी चीज गिन रहे हैं कि जी इतने सालों के लिए कोई साइकिल नहीं चली. नॉर्मली साइकिल 5-7 साल चलती थी, जिसमें आपने शुरू किया एंड में खत्म हो गई. उसमें वो 11-12 साल से चले जा रही है और मोस्टली अच्छे रिटर्न देती है. लेकिन अगर आप इंडिया को बुलरन बोले तो बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि एज आई सेड 99 में हमारे म्यूचुअल फंड की एनएवी 290% बढ़ती थी. तो सर ये शर्मनाक बात जो है, मैं भी कई बार लोगों को कहता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं सर देखो हमने तो 7500 देख लिया, ये तो 15000 आ गई, ये तो बहुत बड़ा बबल बन गया. और एक्चुअली में एक प्रॉब्लम वो भी है जो आप कह रहे हो ना, कि यूएस को लेकर के थोड़ा सा वो डर जो है ना, वो फियर फैक्टर, उस वजह से थोड़ा ज्यादा भी है कि कहीं यूएस गिर गया तो हम क्या, नहीं बता हम नहीं बचेंगे, पर यूएस इतना गिर गया तो हम भी गिरेंगे फिर. तो नहीं, फिर तो गिरेंगे जी. लेकिन लेकिन उससे पहले जस्ट टू पुट इंडिया नंबर्स इन पर्सपेक्टिव, लगता है कि जी इंडिया के रिटर्न लास्ट साल में सबके फंड्स के 100% बढ़ गए, 80% बिल्कुल. लेकिन वो क्योंकि मेक से आप कंपेयर कर रहे हैं, जो कि फॉल हुआ बिकॉज लोगों को लगा, मुझे भी लगा, ये नहीं कि मुझे नहीं लगा, सबको लगा कि जी वो कोविड जो है ये वंस इन अ लाइफ टाइम स्टोरी है, इसमें वैक्सीन बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि बनती नहीं है कभी 10 साल से पहले, आपको इन्फेक्शन रेट नहीं पता, आपको दवाई नहीं है, आपको कुछ नहीं पता, और फिर अगेन पिछले 9 साल से मार्केट चल रही है वगैरह वगैरह. तो ये डेंजरस चीज है. लेकिन अगर आप कैलेंडर ईयर लें, क्योंकि आप ये इट इज आप 100% बिकॉज इट फर्स्ट फेल 30-40%. वो रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली चेंज हो गया ना अभी इस समय. रेफरेंस पॉइंट बहुत बढ़िया लग, मतलब बहुत हाईएस्ट लगता है. आपको 6 महीने बाद नहीं लगेगा. इस साल का रिटर्न क्या है अभी? अभी मार्केट अप है 10-12%. अगर आप 15% आपको बहुत बढ़िया है. सो वो अगर एंड ऑफ द ईयर में ये साल 20% हो गया, इट इज अ गुड ईयर. 20% इज अ गुड नंबर.
लेकिन आपको लगेगा इस साल 20% था, लास्ट कैलेंडर ईयर में 15-18% था, उससे पिछले साल दैट इज 2019 में 10% था, 2018 में नेगेटिव था, 2017 में था 40%, लेट्स से 40%. सो एक्चुअली इफ यू नाउ लुक एट इट टू प्रीवियस इयर्स, आप हमारे जरा अलायंस के दिन में आइए, 3 साल तो 65% एनएवी बढ़ी, 2 साल, तीसरे साल 290%. वो दिन अलग थे, आप 2007 में आ जाओ. तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप पिछले बुल रन देखें सर, आजकल मैं यहाँ आपको बीच में रोक रहा हूँ थोड़ा सा, आजकल की जो ये जनता है ना सर, इन्होंने वो दिन देखे हुए नहीं, प्रॉब्लम ये है, आपने देखे हैं बहुत बड़े वाले, मैंने थोड़े से देखे हैं, 2004, 2005, 2006 देखा है, 2007 देखा है, उन्होंने देखे ही नहीं है सर वो दिन, उनको पता नहीं है स्टॉक कैसे चलते हैं या कैसे काम होते हैं. खुशी की बात है जी हमारे जैसे लोगों के लिए. नहीं, हमारे जैसे लोगों के लिए खुशी की बात है, लेकिन हम भी तो ये चाहते हैं ना कि वो लोग भी साथ में ग्रो करें. तो मतलब तो कुल मिला के बात ये है कि आजकल कहानियां चल रही हैं बहुत सारी कि खैर कहीं ये बबल तो नहीं है, क्योंकि वो अभी पीछे क्या है, एक दो मूवीज भी आ गई हर्षद मेहता वाली, ये वो, तो वो दिमाग के अंदर ना थोड़ा वो एक फिर तो उनको लगता है कि ये स्टॉक ऐसे चले जा रहे हैं कई ग्रुप से. मैं ये बात नहीं, थोड़ा उनको इतना भी नहीं कहना कि चढ़ जा बेटा सूली पर, बट द बिग पिक्चर इज कि अगर आप देखें एक बुक है, बुक वैसे बड़ी बोरिंग है, उसको खरीदे ना, क्योंकि खाली नंबर्स ही नंबर्स हैं, बट बुक का नाम है ट्रायंफ ऑफ द ऑप्टिमिस्ट. ओके, उसमें ये तीन, तो इट्स नॉट अ रियल बुक, इट इज नंबर्स, इट्स लाइक सम तीन प्रोफेसर्स ने उसको इकट्ठा किया है. तो उन्होंने पिछले 100 साल के जहां भी मिल गए उनको, उनको 16 कंट्रीज में 100 साल के इक्विटी रिटर्न मिल गए. ओके, और एक यूएस का डेटा तो 200 साल का होता है. इसके ऊपर मैंने कभी एक आर्टिकल लिखा था आउटलुक मैगजीन में. तो पहले आप हिस्ट्री समझें, हिस्ट्री ये है कि ओवर टाइम इक्विटी मार्केट विल बीट व्हाट एवर एल्स यू डू विद योर मनी. आप कुछ कर लो, आप गोल्ड खरीद लो, रियल एस्टेट खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, ओवर टाइम और लिक्विड है, और लिक्विड है, बहुत लिक्विड है. हाँ, बहुत लिक्विड है. तो इसमें वो भी नहीं है जैसे रियल एस्टेट की तरह कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए सर्टेन अमाउंट की, और फिर साथ में टैक्स दो और ये करो वो करो, और टैक्स वाइज भी सबसे एफिशिएंट है. पहले तो बहुत ही बढ़िया था, जीरो था, जब अभी भी 10% है. सर ये सारी चीजें सही है, लेकिन प्रॉब्लम एक और है ना, साथ में के वोलेटाइल भी बहुत है ना, और दिखती है सामने. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको अगर आप एब्जॉर्ब करें, एक्सेप्ट करें, समझ लें, उसमें चाहे 2 दिन लगाएं, कि भाई आप इमेजिन करो सिचुएशन कि आपने वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने से पहले जापान में इन्वेस्ट किया. अब जापान में तो एटम बॉम्ब गिरने वाला है, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाला है 1945 में, और आपने डाला इसे बिफोर द वर्ल्ड वॉर टू इवन स्टार्टेड, सो यू आर नोबडी न्यू की होगी कि नहीं होगी. तभी भी जापानीज इक्विटी डिड बेटर देन जापानीज बॉन्ड, बट वो पीरियड बहुत लंबा हो जाता है, 15 साल हो जाता है. अगर आप बिल्कुल गलत टाइम पे आए तो आपके 5-7 साल वेस्ट हो सकते हैं. तो हम मतलब सेफली ये कह सकते हैं कि ये वाला टाइम वो गलत टाइम तो शायद नहीं होगा. पहली बात है कि उतना नहीं है, नंबर 1. हाँ. अभी रिसेंट इंडिया में था 2007 दिसंबर 31 को आप आए. अच्छा. पहली बात है तो हम आपको गाली देंगे कि आप उसी दिन क्यों आए भाई, इतने साल थे. पर एक्चुअल में ज्यादातर लोग तभी आए थे. लेकिन दिसंबर में आने की जरूरत नहीं है, आप जनवरी में आ जाओगे तो फिर भी थोड़ा कम हो जाएगा. तो अगर आप दिसंबर 31, 2007 को आए तो आपके पैसे रिकवर होने में लग गए आई थिंक 12 और समथिंग. हाँ, 12 तक आ गए, आपके 4-5 साल निकल गए. लेकिन ये तब गिना जाता है, एक तो आपने सारे के सारे पैसे सबसे गंदी प्राइस पे पहली बार और आखिरी बार डाले. अगर आप उसको कंटिन्यूस गेम समझे, और अगर जब वो 30-40% गिरी थी या 50% गिरी थी, आपको मार्केट से नहीं जाना है, आप स्टॉक्स बदल दो, आप फंड मैनेजर को थप्पड़ मार दो, गालियां दे दो, आप किसी और का फंड ले लो, आप ETF ले लो, मार्केट में आप आपकी नहीं सुननी है. लेकिन सर प्रॉब्लम ये है, जरूरी बात है, नहीं यही तो सारा गेम है. गेम है पहले इस बात को अब्सॉर्ब करना. ये तो ना पहले दिन आगे कहो जी अब हम लेने आ गए शेयर. सर प्रॉब्लम ये स्टॉक भी तो ऐसे वाले लेते हैं ना, RNRL जैसे, यूनिटेक जैसे, तो वापस तो कोई इलाज ही नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो वापस ही नहीं आते. नहीं, वो नहीं आएंगे, और ये इनकी एजुकेशन फी है, वो वापस ही नहीं आने. हमने सब ट्राई किए हुए हैं लाइफ में, हम 30 साल से ही कर रहे हैं. ये तो ना कि हमने पहले दिन आके सबसे बेस्ट स्टॉक लेने लग गए. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन करें नहीं बच सकते. तो अभी के दौर में सर, के अब जैसे एक आदमी है वो कहता है सर के बहुत बढ़ गया है, मैं क्या करूं.
एक आदमी कहता है सर के नीचे आएगा तो मैं बाय करूंगा, क्या करूं? ये एक आम जो धारणा है, आम जो सोच है, इसका आपके पास कोई ऐसा आंसर है जो कि सामने वाला समझे कि सर बहुत पड़ गया है, अब मैं क्या करूं, थोड़ा वेट करूं लेने का, और नीचे वाली प्रॉब्लम है कि नीचे वो आने को तैयार नहीं हो रहा, ये नहीं जी, पूरे। इसमें इसमें यह है कि आप मार्केट को तो कह ही नहीं सकते, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, अभी भी मैं आपका डेटा दिखा सकता हूँ, ये भी मिल जाएगा मुझे। मैं स्टॉक्स में आप कह सकते हो कि ज्यादा हो गए, मार्केट भी क्या है, सिंपल लॉजिक है, मैथ्स है ये। सपोज मार्केट में 500 स्टॉक है जी तो हम उसके एवरेज को बीट करना चाहते हैं, करेक्ट? क्योंकि हम इंडेक्स को बीट करना, पहली बात ये समझें कि इंडेक्स को बीट करना इतना बढ़िया काम है कि उससे ज्यादा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब कोई बिल्कुल बोलेगा ओ जी आप खुश हो रहे हो कि मार्केट 30% गिर गई और आप 20% गिरे, ओ हम तो पैर छुएंगे भगवान के दिन रात अगर इतना 10% फ्री के मिल जाए डाउन मार्केट में भी, चाहे 20 चले गए हो, क्योंकि हमें ओवरऑल पता है कि मार्केट जो है ओवर टाइम डज वेल। तो अगर आपने किसी करेक्शन में कम गिरे आप या कम किसी गिरे। हाँ फॉल में आप 10-15%, वो बहुत वैल्यू है। तो पहले तो ये समझ गए होंगे आप, जैसे कि अगर 100 रुपए के 80 रुपए मार्केट हुई 60 रुपए, तो 40% गिर गई, आप बिल्कुल गिरे 20%। अब कोई बोलेगा बड़ा गंदा है बड़ा गंदा है, हम कहते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि अब हम 80 पे हैं और मार्केट 60 पे है, अब वापस 100 जाना है क्योंकि ब्रेक इवन, तो मार्केट को 60 to 100 जाना है, तो इट हैज टू गो अप 66%, बिल्कुल 40 रुपीज इट हैज टू गेन ऑन 60। हमें जाना है 25%, जी 80 से 100 जाना है, सो बिल्कुल 20 on 80। सो फर्स्ट इज कि इवन आउट परफॉर्मिंग द मार्केट पर से इज अ मैसिवली गुड गोल, बिकॉज मार्केट इटसेल्फ को बीट करती है। नहीं, ओके, जो अब आपका क्वेश्चन है जो मार्केट, आप कह रहे थे कि अगर मार्केट अभी कैसी है तो मैं बता रहा नहीं था। मार्केट कैसे नहीं है, एक सेकंड में तो रिफ्रेम कर दूं। लोग कह रहे हैं सर इतना बढ़ गया है, यहां ले लें कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। आई वाज कमिंग टू दैट। सो 500 स्टॉक है मार्केट में सपोज, एंड 500 स्टॉक के इंडेक्स इज द एवरेज NSE 500। राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बाय डेफिनेशन, आप कोई सा साल ले लो कि दैट मीन 200-250 स्टॉक उस 500 में से विल बीट द मार्केट, बिकॉज मार्केट उन्हीं 500 स्टॉक का एवरेज है। बिल्कुल तो अगर 200 स्टॉक उस इंडेक्स को बीट करने वाले हैं तो 150 उसको बहुत ज्यादा बीट करने वाले हैं, और 100 तो बहुत बहुत ज्यादा करने वाले हैं, बिकॉज अगर आप 500 स्टॉक्स को रैंक करोगे तो इवन इन अ डाउन मार्केट कोई 50 स्टॉक ऊपर चल रहे होंगे या फ्लैट होंगे, लेकिन आपको वो मिलेंगे नहीं, वो अलग बात है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयरफॉर द क्वेश्चन इज कि स्टॉक्स तो आप से चूज हो पाए या ना हो पाए, कुछ स्टॉक्स विल बी डूइंग वेल इन एनी मार्केट, सर ये तो समझा समझा के हम भी हार गए, इसलिए लेकिन हम ना उनको ना इंडेक्स का नंबर दिखता है। तो इंडेक्स का नंबर वो कह मतलब लोगों की सोच जो है, जो रिटेल में काम करता है जैसे आदमी, उसकी नहीं। सोच ही रहती है कि सर मार्केट में करेक्शन आई नहीं है, स्टॉक तो मुझे अभी दिख रहा है कि चलो 30% नीचे आ गया, 25 नीचे आ गया, मार्केट अगर यहां से 10-15-20% भी नीचे आ गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, अब बर्बाद इसलिए हो इस जाओगे क्योंकि आप लेवरेज वगैरह कर रहे हो। अगर हाँ आप शांति से बैठे हो सेविंग से, अगर आप लेवरेज से कर रहे हो तो आपको हमारे पास आंसर आएगी, सर, तो लेवरेज उसके साथ एक प्रॉब्लम है ना, उसको सबसे नीचे भी तो लेना है, ये भी तो दिक्कत है उसके साथ। वो कहता है मैं ये पॉइंट सही है आपका, करेक्ट। उसको सबसे नीचे लेने वाली प्रॉब्लम भी तो है कि मैं सबसे नीचे मैं लूं ताकि बस मुझे दिक्कत ना आए, और मेरे लेते ही बस ये है कि ऊपर चल पड़े स्टॉक। आप ही की वेट हो रही थी बस पूरे अब वर्ल्ड में। आखिरी भी हाँ भाई, वो स्टॉक में आखिरी VIP मैं ही था और मेरे आते वो तो स्टॉक चल जाना आप चाहिए। हीरो रह गए पूरी कंट्री हाँ के, तो वो आपके ऐसा, लिए तो उस ऐसे सोच होता का नहीं, मतलब कोई आपके हिसाब से उस सोच का कोई लंबा चौड़ा इलाज नहीं। पता नहीं। तो सिंपल लॉजिक है, आपको एक्चुअली मार्केट में इन्वेस्ट करने का पर्पस क्या है? पर्पस होना चाहिए कि जी मुझे जो मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं उससे 5-7% पर एनम ज्यादा बन जाए, ये नहीं कि उसे 50% ज्यादा बन जाए, वो किसी एक आध साल में 50% ज्यादा भी बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन फिर दूसरे में आप जब खोगे तो एंड में आपको 5-7-8% अगर ज्यादा मिल जाए डेट से, बिल्कुल दैट इज द गोल। अगर बेटर मिल गया तो ऑफकोर्स, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कि मुझे लोएस्ट पे लेना हाईएस्ट पे बेचना है, वो सपने हैं, सपने किसी के पूरे नहीं होने, मंगेरी लाल के नहीं होने। तो सर अच्छा एक बात और था सर, कि ये बात तो हो गई, अभी इस तरह का जो बाजार है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि लगभग सब कुछ चल रहा है और ज्यादातर सब चीजें चल ही रही हैं, कोई कम कोई थोड़ा ज्यादा बहुत ऊपर नीचे, हाँ, ऐसे में एक फोकस पोर्टफोलियो जो है वो रखना चाहिए या थोड़ा सा, मतलब आपका तो मुझे पता है 30-35-40 स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है,
लेकिन उतना ही रखना चाहिए या थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि क्या है बढ़ा सकते सेक्टर हैं, भी तो बढ़ा थोड़ा सकते हैं ज्यादा। क्योंकि बहुत स्टॉक्स अच्छा करते हैं, वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप अगर किसी में इफ यू वांट आई कैन शो अ स्लाइड राइट नाउ कि 1/3 ऑफ द स्टॉक्स डू सो वेल कि आपके पास अगर 150 बेस्ट स्टॉक भी हो मार्केट का, उन्हीं 500 स्टॉक्स में से, ये नहीं कि कोई छोटा सा वो अपना बाबा रामदेव का स्टॉक इन लो उसमें, वो नहीं कहते हैं हम वो क्या नाम है जो भी है भूल गया नाम, जो पीसी कह रहा हूँ मैं पताल गंगा नहीं कह रहा, मैं पताल पताल गाली रुचि पतंजलि नहीं गिन रहे, पतंजलि। मैं कह रहा हूँ जो 500 स्टॉक बिगेस्ट स्टॉक्स हैं उसमें अगर आपको 1/50 जो स्टॉक है उस साल का उस पीरियड का अगर आपके पास खाली वो स्टॉक भी हो, यू विल बी वे अहेड ऑफ एवरी फंड मैनेजर एवरीबडी। कहने का मतलब है कि 50 स्टॉक लेने से आप अभी भी उस पार्ट ऑफ द मार्केट में हो सकते हैं विच कैन मैसिवली आउट परफॉर्म, बिकॉज सारों ने नहीं आउट परफॉर्म करना। आप अपनी आप क्यों प्रोबेबिलिटी, नहीं ज्यादा लेते सर फिर? मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि जो 30th के बाद ना मेरा वेटेज उसका 1% हो जाएगा, 1 से कम हो ओके। जाएगा। हम क्या कहते हैं कि ऊपर वाले हम लेंगे 4-5%, नीचे वाले 1.5-2%। ओके। मतलब अगर आप 50 स्टॉक लोगे तो फिर वो 50th की वेटेज हो जाएगी 0.4-0.5, वैसे आपके कर कह सकते हैं कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आपके कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो ये टाइम चल रहा है इसमें अगर थोड़ा सा बढ़ाना भी हो, चार सेक्टर ऐड करने इस हो, टाइम पांच से नहीं सात, जी, हर समय, हाँ एनी टाइम, मतलब ये वाला बिकॉज टाइम खास तौर से, क्योंकि इसमें क्या है लगभग सब कुछ चल ही रहा है, कौन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, चार ये सेक्टर, नहीं है लॉजिक, क्योंकि ये नहीं है लॉजिक। लॉजिक ये ओके। है कि आपको ये नहीं पता होता कि किस स्टॉक का नंबर आएगा इतना ज्यादा जो आप पहले नहीं इमेजिन कर सकते। सो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर किस तरीके से आप इमेजिन करोगे कि जी डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे पास होना चाहिए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में क्योंकि वो सली 300% बढ़ने वाला है। आप अगर आपके हिसाब से जो अच्छे स्टॉक्स हैं अगर आपने एक एक 1.5-1.5% ले लिया या 1% भी ले लिया, आपको अपने हिसाब से वो स्टॉक्स अच्छे हैं नंबर वन बिल्कुल ऑन वट एवर वे यू एनालाइज। सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि 1/3 ऑफ द मार्केट विल डू वेरी वेल, दिस इज अरिथमेटिक। तो आपका कौन से स्टॉक का नंबर आएगा आपको एक साल भी नहीं पता हो सकता, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं आपको पता लगेगा जी HDFC बैंक कोटक बैंक उन्होंने चलना है 10-15 मतलब 4-5% मोर देन मार्केट, हम वो भी लेते हैं। लेकिन जो दूसरे स्टॉक्स होते हैं जो सडनली चलते हैं, इंडिया मार्ट वो सडनली 2000 में वो 8000 हो गया, आप बिगिनिंग में कैसे सोच सकते हैं कि ये इस साल का फोर बैगर होना है, बिल्कुल। तो वो आपको मैं भी बेस यही बात ज्यादा कह रहा हूँ, लगानी पड़ेगी, ये लेकिन मतलब मेरा मेरा जो कहने का मतलब था, आज से पहले मतलब पिछले 8-10 सालों से ले ले, उसके अंदर ना फेज रहे हैं ऐसे कि जैसे दो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बार ITF ने परफॉर्म किया, फार्मा ने, FMCG ने, बैंकिंग ने, लेकिन बाकी सेक्टर म्यूटेड थे, उनके अंदर कुछ नहीं था। तो अगर किसी ने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर भी दिया, थोड़ा साइज बढ़ा दिया, उसको कोई उतना बड़ा फायदा नहीं हुआ। ये वक्त जो ऐसा ऐसा लग रहा है देख के कि इसके अंदर अगर थोड़ा सा नहीं जी, बढ़ा नहीं भी दे नहीं गलत है, ये गलत है, तो ये बात इसमें भी ठीक नहीं नहीं है। है ठीक आपकी, ये ठीक नहीं है। है बिकॉज जो स्टॉक चलते हैं वो पता नहीं लगता ना स्टॉक कहाँ, जैसे कंज्यूमर, सपोज कंज्यूमर सेक्टर, सॉरी कंज्यूमर फाइनेंस चल रहा है या NBFC चल रही है, अब बिल्कुल। आपको 2011 में कहाँ से ख्याल आएगा कि बजाज फाइनेंस मेरी टॉप होल्डिंग होनी चाहिए, कोई नहीं आएगा। हाँ वो तो एक लेकिन अब दो पर्टिकुलर परसेंट स्टॉक। 15 नहीं, यही तो कहानी है ना, क्योंकि 15 NBFCs हैं। आपको अगर NBFC पसंद है आपने चार ले लिया, आपका चांस ज्यादा है कि उनमें से एक बजाज फाइनेंस निकला है आपको, जी मैं कॉन्सेंट्रेटेड खेलूंगा, आपको अगर मैं चोला फाइनेंस दूंगा चाहे वो बढ़ जाए बड़ा, बट वो दूसरा 50 टाइम बढ़ गया। लेकिन सो सर मेरा आपने कहने का इतना अच्छा मतलब, स्टॉक था, आपका कार्ड क्यों दिया सर मैंने कार्ड दिया वो अलग से बात होगी उसके बारे में, बट द पॉइंट इन जनरल इज कि यू डोंट नो बियॉन्ड अ पॉइंट कि किसका नंबर है नेक्स्ट। तो आप आपने? ज्यादा बेट्स डालेंगे तो उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। जब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HDFC बैंक है 25 साल से, लेकिन आप लास्ट 3 साल की परफॉर्मेंस चेक करो, ICICI बैंक इज अप 35% पर एनम, बिल्कुल HDFC बैंक इज अप 11% पर एनम। तो अगर आप 3-4 साल, हमने तो ले लिया, हमने तो 15 साल का बेस्ट स्टॉक ले लिया, सो यू हैव गिवन अप 25% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, इवन दो प्रीवियस हिस्ट्री माइट बी वेरी गुड। इसलिए मुझे लगता है ये हर वक्त चलता है, हर वक्त बिकॉज चलता है। हाँ हर वक्त चलता है, बिकॉज इतने स्टॉक्स ने अच्छा करना होता है कि किसका नंबर आएगा। आप अगर वो पीटर लिंच को देखो, पीटर लिंच 150-150 स्टॉक लेता था और ही यूज्ड टू बीट द मार्केट बाय 12% पर एनम, व्हिच इज अ वेरी हाई नंबर। म्यूचुअल फंड में जो अच्छे वाले हैं हम भी 40-50 तक आराम से जा सकते हैं, आराम क्या से प्रॉब्लम जाते है। हैं। हाँ यार चलो तो आराम सर से, अब एक बात और चलते हैं, यहाँ इंडिया से बाहर निकल के बाहर चलते हैं एक बार। तो अब बाहर के जो बाजार है, US का थोड़ा सा जिक्र हुआ अभी,
यूएस बाजारों में, यूरोप में, या और एशियन कंट्रीज हैं, जापान वगैरह हैं, और हमारी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इनके अंदर आपको एक्चुअली इंडिया को छोड़ के ग्लोबल अगर हम हो जाएं, उसके अंदर कहाँ पे पहली बात तो रिस्क लग रहा है और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी लग रही है? कहाँ पर ऐसा जोन है जहाँ पर आने वाले 4 साल में, 3 साल में, 4 साल में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और कहाँ पे लग रहा है थोड़ा रिस्क है, यूएस इंक्लूडिंग? नहीं जी, सबसे बढ़िया कंट्री वर्ल्ड की किसी एंगल से आप ले लो यूएस है, खाली उसके टैक्सेस बड़े गंदे हैं, मतलब सब अपने यूएस में बैठे होते हैं। यूएस से बढ़िया कंट्री नहीं है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, गाली बिल्कुल देनी है प्रेसिडेंट को, गालियां दो, जो करना है करो। और उसमें सारी जो इनोवेशन है यूएस, अब स्पेस में जाने का है, क्यों खाली 3 अमेरिकन बिलियनर्स को ख्याल आता है? और तो एक एक्चुअली यूके का है वैसे, वर्जिन वाला, बट स्टिल इन जनरल वो तो हो सारा भी आया है। एक्शन फंडिंग। हमारे यहाँ कोई आए बोले जी मैं 20 साल में स्पेस जाऊंगा, मेरे को अभी प्राइवेट इक्विटी दो, खाना नहीं देंगे उसको। भाई जी पता नहीं क्या सपने लेने आया हमारे यहाँ। सो द सर पॉइंट इज हमारी यूएस हमारी मार्केट लड़ इज लाइक माइंड ब्लोइंग। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी जो हाँ भाई फाइट क्या है है? अभी खाने पीने की फाइट है ना सर, तो हम कहाँ से स्पेस की सोचेंगे? हमें तो अभी अपनी नहीं, रोड आपकी पे सुना बात हो रही है, हम तो बात कर रहे हैं वो बिलियनर क्यों नहीं खर्च रहे पैसे, हमारी सुना बात हो रही है, आप नहीं, इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इंडिया करेंगे। की। मीन सारी इनोवेशन, हाँ आई थिंक इंडिया के वहां पे भी तो बिलियनर कर रहे हैं, वहां के कौन से कोई। बट व्हाट आई ट्राइंग टू से इज वहां पे जो कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो आपको मजा आएगा, आपके अमेजोन के शेयर हो, गूगल के शेयर हो, मजा नहीं आएगा? मैंने गूगल बड़े साल पहले लिया ऑन द लॉजिक, गूगल इज द वर्ल्ड थर्ड मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट बिल्कुल इज यूएस गवर्नमेंट, सेकेंड इज चाइनीज गवर्नमेंट, थर्ड इज गूगल। सो कितने सालों से इस लॉजिक पे मैंने ये शेयर रखे हुए हैं। सो द पॉइंट इज यूएस। अच्छा, अभी मैंने अभी एक शेयर खरीदा है, अभी आजकल जो आ गए हैं ये नॉन, क्या कहते हैं, प्लांट बेस्ड मीट, आजकल ये नया फैड है कि जी आपको मीट का टेस्ट मिलेगा, लेकिन मीट नहीं है, जो इंडिया में तो बड़े दिनों से सोया सोया का चल रहा था, लेकिन हाँ अब वहां पे बीफ को कॉपी करते हैं, सब करते हैं। अब ये सब चीजें लेकिन मजा आता है, कोई नई चीज करते हो, कोई नई चीज पढ़ते हैं, कोई नई। सो यूएस मार्केट में थोड़े पैसे डालने चाहिए, बिल्कुल इट इज अ गुड नहीं, थिंग। मेरा एक्चुअली कंसर्न ये था कि रिस्क का मतलब यूएस ये है इन्फ्लुएंस कि ऑन इंडिया, यूएस इन्फ्लुएंस ऑन यूएस मार्केट्स। इंफ्लुएंस इंडिया, हाँ नहीं, उसमें मार्केट्स। क्या है, अगर कोई भी मार्केट ज्यादा गिरेगी तो सबको लपेट लेगी, ये तो हमने 2008 में सीखा। 2008 में गलती क्या हुई, हमने कहा जी कि हमारे बैंक्स को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारे बैंक्स ने लीमन क्राइसिस में पैसे नहीं खोए, हमारे बैंक्स को कोई एक्विटी रेज नहीं करने की जरूरत पड़ी, वो तो यूरोपियन बैंक्स और यूएस बैंक्स को प्रॉब्लम हुई है सबप्राइम मॉर्गेज बेचने की। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में शेयर गिरे हमारे बैंक, हमारे गिरे HDFC बैंक। उस साल इट्स अर्निंग्स ग्रू 30% इन 2008, इट्स स्टॉक प्राइस फेल 52%, एंड दैट आल्सो इन रुपीज, डॉलर जोड़ दो तो 5-7% और गिन लो। सो वो उसका तो कोई इलाज नहीं है। बट ऐसे कोई, अभी जो भी मैं पढ़ता रहता हूँ इधर उधर का, किसी इसमें ने कुछ ये नहीं लगता कि एक जगह में कोई बड़ा हो रहा है एक्स्ट्रा, जैसे पहले होता था ना। अपॉर्चुनिटी, कहीं अपॉर्चुनिटी किसी और मार्केट में इंडिया के अलावा हाँ, इंडिया बाहर, के अलावा जी बहुत जगह अपॉर्चुनिटी है। उसमें क्या है, वो तो यूरोप में बड़ी अच्छी है, आप यूरोप वो में। जो लग्जरी गुड्स वाली कंपनियां हैं, ये लुई विटॉन वगैरह, क्या कंपनी है बाय गॉड, आई मीन अनबिलीवेबल कि कैसे प्रॉफिट बनाते हैं लोग लाइफ में। एंड चाइनीज भी अच्छी थी, लेकिन अब चाइनीज में ये टेंशन हो गई है कि अभी गवर्नमेंट क्या चाहती है, वरना अगर आप मुझे 4 हफ्ते पहले बोलते तो मैं कहता 5-7%, 10% चाइना में भी क्यों नहीं हो सकता। लेकिन चाइना के साथ में सर ये प्रॉब्लम नहीं लगती आपको कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी काफी कंट्रीज ऐसी है वो थोड़ा सा उनके अभी इससे कोविड अगेंस्ट से बाहर आते ही वो अगेंस्ट हो रही है कहीं ना नहीं, कहीं नहीं वो ऐसे नहीं था एक। जी, टेक में उनके इतने अच्छे चल रहे थे, वो गवर्नमेंट ने अपने, आजकल गवर्नमेंट वहां पे वो बन गई है कि हमें कुछ अचीव करना है, जैसे इन्वायरमेंट को हमें ठीक करना है, इसलिए इंडिया का स्टील सेक्टर चल रहा है और स्पेशलिटी केमिकल चल रहा है, बिकॉज चाइनीज कहते हैं ये हमारे इज्जत के बिलो है, हाँ हम नहीं इज चाहते ऐसी चीजें। हाँ फिर ये जो इतने अच्छे अच्छे आईपीओ हो रहे थे यूएस में, वो कहते हैं नहीं जी आप डेटा मिस यूज कर रहे हो, ये सब चीजें हमने सोचा ये सब काम ही करती है उनकी कंपनियां। सो व्हाट आई मीन इज द चाइनीज गवर्नमेंट इज टेकिंग अ मॉरल स्टैंड, अदरवाइज और उनके चलते, ये तो नहीं उन्होंने अपने आप अपनी कंपनियों को मारा है टू कंट्रोल दी बिलियनर्स, द टेक बिलियनर्स एंड देयर पावर। बिल्कुल बट एनी आई एग्री, अभी आजकल तो सब डर गए हैं लोग चाइना से कि भाई इट थ्रोस टू मेनी नेगेटिव सरप्राइजेस, बट ऐसा मैसिव नेगेटिव किसी कंट्री में जो
बबल बर्स्ट हो रहा हो, ये बबल, सब मुझे नहीं लगता नहीं ये बबल वाली बात तो खैर लोगों के दिमाग में आती रहती है। तो सर अब अपने एक बार अगले सेगमेंट पे चलते हैं, वहां पर बात करते हैं कि मार्केट हमारा इंडियन जो मार्केट है वो एक तो कैसा है, दूसरी बात यह है कि सेक्टर वगैरह जो हैं उसके अंदर हमारे को क्या लग रहा है, और स्टॉक्स का नाम आप लेना चाहें तो ठीक है, नहीं लेना चाहें तो कोई बात नहीं, और बाकी चीज़ें जो हमारी और कमोडिटीज़ करेंसीज जो हैं उसमें कैसा चल रहा है वो बात कर लेते हैं। कमोडिटीज में ज्यादा नहीं है बट ठीक है। तो सर अब हमारा अगला वाला जो सेगमेंट है उसकी शुरुआत करते हैं हम। उसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ अपने लोगों के लिए, जो दर्शकों के लिए, कि करंट राइट नाउ अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, हमारे इंडेक्स लेवल पे बात कर लो, आप किसी भी लेवल पे बात कर लो, क्या लग रहा है हमारे को कि आने वाले 3 साल के लिए हमारी जो बाजार है यहाँ पे उसमें आप मतलब सब कुछ काउंट कर लेना, रिस्क सारे गिन लेना, बाहर के यहाँ के वहाँ के जो भी रिस्क है, क्या इस तरह का कोई डर है कि कहीं किसी 45 मतलब उस साइज की करेक्शन आ सकती है, 40-50% साइज की करेक्शन, ऐसा कुछ लग रहा है? पहली बात। दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि हाँ उसके बाद में दूसरी बात ये कि यहां से अगर कोई आदमी एक पोर्टफोलियो बना के काम करना चाहता है, उसके अंदर उसको थोड़ा बहुत एड ऑन करना चाहता है, हर साल अपनी जितनी उसकी अर्निंग आती है, सेविंग आती है, क्या उस आदमी को इस समय कोई ऐसा सोचने की जरूरत है कि यार ये तो बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है, इतना ज्यादा ऊपर मैं लेऊंगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी? मतलब ये मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने ये बात शेयर की है अभी आपसे, ये थॉट प्रोसेस जो है ना मुझे लगता करेक्ट है करेक्ट तोड़ना बहुत जरूरी है लोगों का, करेक्ट करेक्ट कि ये करेक्ट बहुत ऊपर आ गया है, ये मुझे लगता है, राइट ये राइट डेफिनेट मतलब बहुत ऊपर मुझे समझ नहीं आता, मैं भी खुद भी अपना काम भी करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, मुझे समझ नहीं आता बहुत ऊपर कहाँ आ गया है, लेकिन हाँ ये करेक्ट एक्चुअली ये हवा चल रही है सर, ये एक्चुअली हाँ हवा है करेक्ट। ये। तो इसलिए बेस्ट है उनको को अपने पिछले पूरे साल के कैलेंडर ईयर के रिटर्न दिखाओ, ये मत दिखाओ कि मई से क्या हुआ है, या अपने फंड के, आप कोई सब बेस्ट फंड भी ले लो इंडिया का, सबके रिटर्न्स लास्ट ईयर के 18-20% होंगे तो बहुत बढ़िया है, क्या 15% है कर मुझे लग, मतलब इस समय क्या करना समझे? चाहिए इंडिया के? मैं बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा, मैं कैलेंडर ईयर की। पहली बात तो कैलेंडर ईयर आपका की बात। क्वेश्चन है कि 50% 40% तो नहीं मार्केट गिर सकती, तो हाँ ऐसी अगर वाली आप, जगह। हाँ करेक्ट करेक्ट, सो अगर आप पिछले, मैं तो 93 से हूँ, 40-50% एक ही बार गिरी है, 25 गिरती है, 40-50 इज ग्रेट चलो ये हमारा, 25 मान लेते हैं, वो तो 25 में भी तो डर लगेगा ना 25 का उनको। था, करेक्ट, 25 से 50 से कम है। नहीं तो द थिंग इज, नहीं उतनी भी डर है क्या, उतना डर है क्या नहीं 25 इतना वाले कोई डर डर में? नहीं है अभी जी, होगा तो फिर से बात होगी, कोई इस 2 साल में एक बार थोड़ा बात हो रही है, बट इन जनरल कहने का मतलब है कि अगर आप आज डालेंगे तो आपको 3 साल में 12-15-18% रिटर्न पर एनम से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना और चाहिए। उसके लिए भी सब चीजें परफेक्ट होंगी तो 18-20 बनेगा, नहीं तो 12-15 टाइप ठीक है। अब उसमें वो एक ही साल में बन जाए और बाकी 2 साल में ना बने, कि पहले 2 साल में ना बने, वो बियॉन्ड अ पॉइंट समझ नहीं आता टाइमिंग इन द वेरी शॉर्ट टर्म, बट ब्रॉडली ओवर एनी रीजनेबल पीरियड 15% बनता है, और अभी ये अनरीजनेबल नहीं हुआ, दैट इज द होल पॉइंट। ये नहीं हुआ कि आपको 7 लग रहा हो, और एक ग्रुप ऐसा भी है सर कि जो कहता है कि सर मुझे तो लग रहा है आने वाले 3 साल में 40% की ग्रोथ आ जाएगी। दोनों टाइप के ग्रुप हैं, चाहे वो छोटा नहीं ग्रुप है, लेकिन वो ग्रुप भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं बहुत नामी गिरामी, वो बोलते हैं कि हमें दिख रहा है आने वाले 5 साल में 7 साल के अंदर इंडिया कहीं गुजरा इंडिया जाएगा। अमेरिका से आगे निकल जाएगा, चाइना मैं हमारा पैर के नीचे होगा, वो आई एग्री, नहीं उसके उतना लिए उतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ मतलब ग्रोथ जो है जो हम पिछले 10 सालों से देखते आ रहे हैं, 5% 6% 4% की ग्रोथ, अभी क्या डबल डिजिट में हो जाएगी और ये हो जाएगा वो जाएगा, तो उस लेवल की भी बात लग रही है मुझे हमारे लगता को। है वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में पैसे डालने के लिए। द पॉइंट इज, अगर आपको ऑलरेडी लग रहा है कि स्टॉक मार्केट इज बेटर देन अदर ऑल्टरनेटिव्स, और हम आपको लेवरेज की बात नहीं हो रही है, तो आपको 15% के लिए भी उतने ही पैसे मार्केट में डालने हैं जितने कि 40% आपको लग रहा हो, तो क्या करोगे, मकान बेच के थोड़ा डाल दोगे। सो द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर ज्यादा बनेंगे तो जरूर लीजिए, हाँ लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी बेस्ड ऑन 40% एक्सपेक्टेड रिटर्न, बिकॉज अगर एग्जैक्टली प्रॉमिस्ड एग्जैक्टली हो 40% तो हम कहें अच्छा जी हम मकान के अगेंस्ट पैसे बोरो कर लेते हैं, हाँ वो और 40, एक्सपेक्टेशन, हाँ वो ये लगे। हाँ एक्सपेक्टेशन हायर हो जाएंगी तो फिर दिक्कत होगी, तो तो फिर आप आप अपनी तरफ से सोचोगे इसके लिए मैं क्या करूं, मैं अपनी वाइफ की हाँ ज्वेलरी बेच देता हूँ क्वाइटली हाँ रात को, कल मैं डाल दूंगा, ये जरूरत नहीं है। आप 15% के हिसाब से प्लान करो, ज्यादा आ गया तो इन सबको कह रहे ज्यादा हैं आ पंद्रह गया के बाद छोड़ के घर चले जाना, आप भी लोगे। सो मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग,
दे आर ट्राइंग टू हार्ड टू सेल द इक्विटी स्टोरी. इतने हार्ड सेल जरूरत नहीं है. अगर कोई आदमी इतना फेंक रहा हो कि 40% हो जाएगा, हमारा देश सबसे आगे निकल जाएगा, इसका मतलब है कोई टेंशन है भाई को, इतना क्यों बोल रहा है, इतना जरूरत ही नहीं है ना. मतलब आपकी बात, आपकी बात का क्रक्स ये है कि बहुत बड़े फॉल का अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिख रहा लंबा चौड़ा. 2-5% तो नॉर्मल है, 7% नॉर्मल, 10% भी नॉर्मल है. और उसके अलावा आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो 10-15% की एक्सपेक्टेशन रखो, 25-30-40 आ गया तो वो फिर ऊपर वाले की कृपा है, आता रहेगा. लेकिन अगर वो ऊपर वाले की कृपा है ना तो वो 2 साल बाद वापस ले लेंगे, रिटर्न 15 ही आएगा. अच्छा सर, तो सर एक बात और इसके साथ में जुड़ी हुई कि आजकल कमोडिटीज के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं, चाहे स्टील सेक्टर हो, थोड़ा हिंट आपने दिया चाइना के बारे में कि वहाँ पे क्या हो रहा है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन कमोडिटीज़ को लेकर के एक बहुत सारी बात हो रही है कि नई साइकिल शुरू हो रही है, डिकेडल साइकिल शुरू हो रही है, 10 साल के लिए जाएगा, ये होगा वो होगा, आप किस कैंप में हैं सर? जी, हम वैसे नॉर्मली कमोडिटी स्टॉक्स लेते नहीं है क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है कि कमोडिटी स्टॉक्स में प्लान जो आप एनालिसिस करोगे वो एनालिसिस होगी कि चाइना में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, ब्राजील में क्या हो रहा है, दीज आर द मेन कंट्रीज एंड देन यूएस की डिमांड क्या है, तो टू कॉम्प्लिकेटेड. मैं आपके लेने, मैं एक सेकंड, मैं आपके लेने के हिसाब से सोचते हैं, इसलिए हम ज्यादा ओवर एनालिसिस नहीं करते हैं कि उसे काम ही नहीं है. नहीं, बट वंस इन अ वाइल मुझे लगता है कि शायद स्टील की स्टोरी ठीक हो, क्योंकि स्टील में इट इज क्लियर कि चाइना इज सेइंग कि आई डोंट वांट टू मेक दैट मच स्टील, तो समबडी हैज टू मेक इट. और इंडिया में एक फायदा है कि इंडियन स्टील कंपनीज के पास अपना रॉ मटेरियल होता है आयरन ओर. बिल्कुल, रिप्लेसमेंट आसान नहीं है ना सर, यहाँ की रिप्लेसमेंट आसान नहीं है. और दूसरी बात, वहां की कंपनियों का जिस रेट पे वो स्टील बेच रही है आज की डेट में और जिस रेट पे काम हो रहा है वहां आप देखो तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है. नहीं नहीं, वैसे आई एग्री. तो इसलिए हमने भी 2 स्टॉक ले, क्योंकि हमारे 35 स्टॉक लेने का फायदा क्या है कि हम 2 स्टॉक ले सकते हैं. अच्छा, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे रिलेटिव टू मार्केट. हमें 33 में वैल्यू एड कर लेते हैं और 2 को हम न्यूट्रल कर रहे हैं रिलेटिव टू इंडेक्स, तो हमने 2 लिए हुए हैं अभी रिसेंटली लिए हैं करीब 3-4 महीने पहले. बट द पॉइंट इज हम अनदिल से वो नहीं करते हैं, ये हम अपने आप को कवर करने के लिए कर रहे हैं. तो इसके लिए आप किसी और से पूछें. ठीक है, तो सर एग्री कमोडिटीज के अंदर कोई आपका विचार, कोई शुगर वुगर जैसे कोई विचार नहीं आप इसमें? इसलिए विचार नहीं है क्योंकि पहले, अभी तो ये नई कहानी होगी इथेनॉल वगैरह की, हमें वो सेक्टर नहीं अच्छे लगते जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रोल हो. या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी डिसाइड कर रहा है या प्राइस डिसाइड कर रहा है या पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है उसमें. हमने क्योंकि 30 साल में सब किया है, सब कुछ करके देख लिया आपने, ये नहीं करना बस अब, जो और भी करें. आपने सब कुछ करके देख लिया मतलब? हमने टी कंपनी भी खरीदी है, फिर पता लगा कीनिया में कुछ हो गया, हमने कहा कीनिया का तो ख्याल ही नहीं आया था, कीनिया के ड्राउट की फिक्र करनी है हमें. ठीक है, तो इसलिए ये हम इंडिया वाले स्टॉक समझ आते हैं जो इंडिया में इनकी वो है डिमांड है या इंडिया में ऑपरेट कर समझ आने वाली चीज. यूएस डॉलर पे तो सर व्यू होगा आपने कोई यूएस डॉलर? यूएस डॉलर में ये व्यू है कि जनरली आप, हम एज इंडियन इन्वेस्टर, क्योंकि हम फॉरेन इन्वेस्टर की तरह कर रहे हैं, तो वी टेल एवरीबडी कि आपके 4% पर एनम जाएंगे. ओके, कंपेयर टू इंडियन, मतलब रूपी में आपके 4% जाएंगे कंपेयर टू यूएस डॉलर. लेकिन राइट नाउ आई थिंक यूएस डॉलर अब ज्यादा वीकन नहीं होगा, क्योंकि अब यूएस की तो बातें हो रही है कि अभी नहीं तो 6 महीने बाद दे विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन देयर इजी मॉनिटरी पॉलिसी. तो अब हो गया उसका, तो अब एक्चुअली इंडिया की वीकनेस हो सकती है ओवर टाइम 2-3% 4% की पर एनम, जो नॉर्मल हिस्ट्री थी. एंड हाउ ये नंबर कहाँ से आया है, ये नंबर आया हमारे इन्फ्लेशन और उनके इन्फ्लेशन का डिफरेंस, दैट इज द वे इट वर्क्स. हमारे इंडिया में 4-5% होती है, उनकी 1-2% होती है, तो 3-4% का फर्क होता है जो हर बार हम दे देते हैं, लेकिन उसके बदले हमारे रिटर्न ज्यादा होते हैं रुपीज में. तो गोल्ड सिल्वर को लेकर भी फिर इसका मतलब व्यू कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा आपका? नहीं, गोल्ड एक्चुअली मेरे पास अभी बहुत है पर्सनली, वो इसलिए हुआ क्योंकि क्या था कि मैं ना अराउंड 85-90% मार्केट में डालता हूँ, 10-15% ऐसी इधर उधर, तो वो हमारे डॉलर में तो रिटर्न 0 बन गया डेट का. क्योंकि डॉलर में तो अब डेट रिटर्न इज 0, 0.25 भी ना मिले अगर आप 1 साल का डिपॉजिट, तो वो मैंने उसे गोल्ड खरीद लिया कि चलो कोई नहीं, गोल्ड 1-2% तो दे जाएगा, और 2% भी नहीं दिया उसने मुश्किल से, 5-7%, बट ठीक है अभी है. बट ओवर टाइम गोल्ड का क्या है कि गोल्ड की हिस्ट्री बड़ी अच्छी है वैसे, इन क्राइसिस टाइम्स, बैड टाइम्स, 5-10 हजार साल से चले जा रहा है
एंड यू नो एक्चुअली इट रिटेन्स वैल्यू. तो अभी तो मेरे पास है. ओके, सिल्वर के, सिल्वर के बारे में, सिल्वर सिल्वर आपका, क्योंकि सिल्वर इज नॉट व्यूड एज अ वो है कि इंडस्ट्रियल कमोडिटी. तो मतलब यूएस डॉलर को लेकर के अभी आपका कोई बहुत बड़ा नेगेटिव व्यू नहीं है कि कोई यहां से ज्यादा जा सकता और वीक हो सकता है ऊपर. वीक वीक यूएस डॉलर अब वीक नहीं होता, हो गया, कितना वीक होना है और ये तो कहानी, कोई नहीं अब नहीं वीक होना. अब क्यों वीक होगा? अब तो जी वो बातें हो रही है कि वेदर दे शुड स्टॉप दिस दिस थिंग, आई मीन टेपर करें, अगर टेपर मींस जो बॉन्ड्स खरीदते हैं वो कम करें. बिल्कुल बिल्कुल. सो लेकिन अभी तो वो 2024 की बात कर रहे हैं. या बट एक दो साल पे क्या 2-3% हो जाए तो हु नोस, बट नथिंग, इट्स नॉट फॉलिंग अपार्ट. ठीक है ठीक है ठीक है. सर एक चीज और अब मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि आपका बहुत सारे मतलब लोग जो हैं वो ये सोचते हैं हेज फंड जो है एक नाम, जैसे आपसे बात हो रही है आज, तो हेज फंड जो है एक्चुअली ये ऑपरेट कैसे करते हैं, मतलब इनका स्टाइल क्या होता है काम करने का? आप लॉन्ग शॉट, आप लॉन्ग शॉट, तीन चार फर्क है हमारे, तीन चार फर्क है बस. एक तो है जैसे हमें 100 रुपए मिले जी इन्वेस्टर से, तो अगर आप म्यूचुअल फंड है तो आप 101 रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि आपके 100 रुपए है तो आपने 100 रुपए खर्चने हैं. हम उस 100 को बनाते हैं 200-150, क्योंकि हम उस 100 रुपए में से मार्जिन पे बोरो करते हैं पैसे. Okay. या फ्यूचर्स में ले लेते हैं तो हमारा 100 से ऊपर क्रॉस हो गया लॉन्ग. उसके अगेंस्ट हम करते हैं शॉर्ट कुछ कुछ चीजें जो म्यूचुअल फंड शॉर्ट नहीं करते, शॉर्ट नहीं करते है ना. तो फिर हम पुट कॉल कर सकते हैं जो हम ज्यादा नहीं करते, हम खाली एक्चुअल लॉन्ग शॉर्ट में बिलीव करते हैं. बट टू थिंग्स आर कि यू आर क्रॉसिंग 100 इवन. सो राइट नाउ हमारे 100 रुपए की जो एयूएम एनएवी है, एनएवी उस पे अभी हम 130 रुपए लॉन्ग है ओके, और करीब 60 रुपए शॉर्ट है. Okay, तो नेट है हमारा 70. नेट 70. अब ये 130 कैसे पहुंचा? क्योंकि हमने 100 रुपए में से करीब 60 रुपए के तो एक्चुअल शेयर ले लिए जी, ये HDFC बैंक टाइप TCS जो लंबे पड़े हैं. बाकी हमारे पास 40 रुपए बचे. उस 40 को हमने डाला टेबल पे और उसपे हमने कहा फ्यूचर्स लाओ जी. 60-70 के फ्यूचर ले लिए तो 60+70 130 हो गया. 130 हो और गया. उसमें भी 60 में आपको 10-12 देने हैं 15. बिल्कुल. अभी भी हमारे बचे 25 रुपए. उसको हम शॉर्ट करेंगे. उसका शॉर्ट कर देंगे. उसके बाद अगर ज्यादा हो गया तो हम 60 रुपए के अगेंस्ट फॉरेन में बोरो कर सकते हैं जो हमने 60 रुपए के लॉन्ग लिए हुए हैं. लॉन्ग लिए, लेकिन हम 200 से ज्यादा नहीं जाते. लॉन्ग प्लस शॉर्ट, लॉन्ग प्लस शॉर्ट, तो व्हिच इज कॉल्ड ग्रॉस ग्रॉस ग्रॉस. So we are gross 190 or something, मतलब 130 long, 60 short. तो अभी आपकी long to short ratio जो है वो, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं भी, मेरा gross है 190, gross net 170, net 70, which means I am 130 long, जो कि higher side पे है, जो कि higher side पे आप, और 60 short. Okay. तो वैसे आपका average क्या रहता है? Average मेरा होता था 100 long, 35 short. वो मैंने इसलिए बढ़ा दिया last year से, अब लगता है कि दो दो सेक्टर अलग अलग डायरेक्शनों में जा रहे हैं. तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए ये अगर हम ज्यादा लें तो हम कुछ शॉर्ट कर देते हैं उसके लिए. नॉर्मली आप जो कह रहे हो वो नहीं हो रहा है, अब हो रहा है वो. आप कह रहे थे कि सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, बट डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. आप मारुति को लो, मारुति वर्सेस कुछ ले लो, कोई भी चलता फिरता स्टॉक. आप HDFC बैंक लो, 4% अप है ईयर टू डेट. बिल्कुल. हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमें पता नहीं था इतना हीरो है, 56% अप है ईयर टू डेट. तो आप जो कह रहे हो या लोग सोच रहे हैं कि सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, वो डिफरेंस बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंस बढ़ते जा रहे हैं. तो उसको हम खेलना चाहते हैं बाय शॉर्टिंग द, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी ऑन द शॉर्ट. ओके. वो हमारे लॉन्ग से कम बढ़ना चाहिए, लॉन्ग से कम बढ़ना चाहिए. समझ गया समझ गया. ताकि डिफरेंस में. तो सर आपने ये इंडिया में भी स्टार्ट किया है हेलियोस का पीएमएस, शायद, या हेज फंड है वो पीएमएस है क्या? नहीं है जी, वो पीएमएस इंडिया में हेज फंड जैसे नाम नहीं बोले जाते हैं. पीएमएस है वो एफआई की तरह. तो उसका है, तो उसका गोल क्या है सर? हाँ जी, उसका गोल है जी कि हम बड़े पुराने, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है. तो वो पीएमएस जो है वो लॉन्ग साइड है. ओके. तो मतलब लॉन्ग ओनली है. तो रीजन क्या है कि इंडिया में फ्यूचर्स का टैक्स रेट बहुत हाई है. फ्यूचर्स पर अगर आप काम करें तो 43% या 43. और लॉन्ग साइड में अगर आप करें तो आपका खाली 10% अगर आपने एक साल के ऊपर कर लिया. बिल्कुल 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 बिल्कुल. फॉरेनर का थोड़ा फर्क टैक्स है फ्यूचर्स में, थोड़ा सा, लाइक थोड़ा जीरो है.
तो इसलिए क्या होता है कि इंडिया में वो 43% टैक्स देने के बाद कितने पैसे बनाएंगे जो दूसरा आदमी खाली 10% टैक्स दे रहा है। इसलिए इंडिया में सीधे काम करने पड़ते हैं। So, इसलिए वो हमने लॉन्ग ओनली साइड बनाई है। लेकिन लॉन्ग ओनली साइड में जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है हीलियोस का और उससे पहले अलायंस का, तो अगर मैं 25 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड लू फ्रॉम 96 टू नाउ, तो मार्केट अप है करीब कितनी थी 12 टाइम्स आई थिंक मार्केट अप है, प्योर अप 12 टाइम्स, प्योर मे बी 13 टाइम्स नाउ। और मेरी एनएवी अगर मैं अलायंस और हीलियोस की करूं, और हीलियोस की मैं रुपीस में कन्वर्ट कर दूं, बिकॉज़ हीलियोस डॉलर में है पर खाली उसको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो कितनी आपको कितने परसेंट आप होगा तो आपको लगेगा ठीक काम कर रहे हैं हम। सर हमें मार्केट 12 टाइम्स अप है, आपको ये बता रहा हूं सर, 12 टाइम अप है, तो आपने 30 भी किया हो तो भी बहुत है सर। ये मैं आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, कोई इसमें मॉडल पोर्टफोलियो नहीं है, कोई बैक टेस्टेड पोर्टफोलियो नहीं है, कोई कहानी नहीं है, मतलब एक्चुअल नंबर्स है 25 साल के। तो कितने में आपको लगता है ठीक है सर? मेरे लगने से क्या होता है आप बता दो, आप बताएं फिर मजा आएगा ना बताने। सर लोगों की इच्छा तो यहाँ पे होती है 1 लाख लगाए 1 करोड़ कमाए, वो तो उनकी इच्छाओं के तो कोई जवाब ही नहीं है सर। लेकिन ये है कि एक जेन्युइन अगर कोई सोच रखता है, मार्केट अगर 12 टाइम्स ऊपर हुई है, 12 टाइम्स एग्जैक्ट बता दूं मैं, हां करेक्ट 12 टाइम्स, मार्केट अगर 12 टाइम, तो अपना रिटर्न जो है वो मेरे हिसाब से अगर आपका पोर्टफोलियो जो है उस केस में मेरे हिसाब से 30 टाइम्स भी है तो वो बहुत है, बहुत है मेरे हिसाब से। अच्छा 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 जी, हमारा है 300 टाइम्स। बट एक्चुअली क्या आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि 12 का 30 में बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये 25 साल की कंपाउंडिंग हो रही है सर, मैं इसीलिए कम बता रहा हूं। नहीं, मैं ना एक्चुअली आपसे निकलवाना चाहता, मेरा मतलब है, मेरा कहने का मतलब है वो इतने ऐसे हो जाते हैं, अगर आप 5-10% आउट परफॉर्म करें खाली साल का, वो 25 साल में बड़ा फर्क हो जाता है सर। मैं कंपाउंडिंग खुश हो रहे हैं तो अब वो हम उसका जो लॉन्ग मतलब वो लॉन्ग साइड जो है वो है। ओके, तो किसी ने अगर आपके पीएमएस में जैसे आना हो तो कितना उसका वो रहता है, मतलब कितने पैसे वो चाहिए होंगे उसको, कैसे करना? पहली बात है जी कि ऑफिशियली उसका जो फंड मैनेजर है वो हमारे बॉम्बे में है, मिस्टर दिनशा रानी। मैं तो खाली हमारी कंपनी का पीएमएस बोलते हैं उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। सो उसमें बाय सेबी द रूल इज 50 लाख। तो बाकी जो भी लोग आना चाहें आप अपने साइट में जाइए, अपने आप www.helioscapital.in हमारे लोग बहुत तेज है सर, वो पहुंच जाएंगे सारे के सारे, अपने पहुंच जाएंगे ठीक है, लड़के तेज है।